ऑल राइट, तो कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स तो डिले हो गई और 2026 और 27 में रिलीज होंगी। एंड आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना इंतजार मैं पर्सनली नहीं कर सकता, लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ऐसा कुछ है जिसे देखकर नहीं, एक्चुअली सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? ये कहानी है मार्वल्स वेस्टलैंडर्स की, जिसमें सैफ अली खान ने आवाज दी है स्टार लॉर्ड की, ब्रजेश हीरजी ने रॉकेट रकून की, जयदीप अलावत ने हॉकआई की और शरद केलकर ने वुल्वरीन की। इसके अलावा भी बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, जिनके परफॉर्मेंसेस को सुनकर के ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में लाइव एक्शन के एवेंजर्स मूवी को सुन रहे हो, और कोई भी छोटी मोटी नहीं, सीक्रेट वॉर्स लेवल के एवेंजर्स मूवी को। और भाई आया है तो सब कुछ बता के जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि हमारा मार्वल यूनिवर्स एकदम ही नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहा है, मतलब थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, ये सारे के सारे एवेंजर्स नॉर्मल तरीके से सुपर हीरोइंग कर रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक से इन सारे के सारे सुपर हीरोज को एक थ्रेट के बारे में पता चलता है, जिसको ये लोग रोकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस थ्रेट का सामना करने के कुछ ही देर बाद इनको रियलाइज होता है कि कोई भी नॉर्मल थ्रेट नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है टू टेक ईच एंड एवरी सुपर हीरो डाउन। वो सारे के सारे सुपर हीरोज अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, उसके बाद भी कोई नहीं बच पाता, ना कैप्टन अमेरिका, ना आयरन मैन, ना थॉर, यहाँ तक कि ना कोई एवेंजर, ना ही कोई एक्समैन, ना ही फैंटास्टिक फोर। इस अर्थ पे जितने भी सुपर हीरोज हैं सारे के सारे मारे गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सब कुछ किया किसने होगा, कौन होगा वो जो इतने पावरफुल और इंटेलिजेंट सुपर हीरोज को मारना तो छोड़ दो, मारने का प्लान भी बना सकता हो। विक्टर वॉन डूम, जिसको आप सभी लोग मार्वल कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम के नाम से भी जानते हो, उस बंदे ने एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी बनाई, एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें सारे के सारे सुपर हीरोज को फंसाया और उन सबको मार दिया। एंड आई नो कि ऐसा सुन के लग रहा होगा कि ये कैसी कहानी हुई कि सारे के सारे सुपर हीरोज तो हार गए, लेकिन मेरे भाइयों यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि स्ट्रगल में ही तो मजा है, क्योंकि डॉक्टर डूम के इस प्लान में सारे के सारे सुपर हीरोज मारे तो जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत सुपर हीरोज हैं जो इस मैसेकर को सर्वाइव भी कर लेते हैं, जैसे हमारे लोगन भैया, फिर स्टार लॉर्ड, फिर ब्लैक विडो, फिर हॉकआई। ये सारे के सारे सुपर हीरोज इस यूनिवर्स में अभी भी अलाइव है। और ये कहानी जो आप सुनोगे ये एक्चुअली में स्टार लॉर्ड की कहानी है, जो इस यूनिवर्स में ओल्ड मैन क्विल है। ये और रॉकेट बेसिकली कलेक्टर के एक मिशन को पूरा करने के लिए अर्थ पे जाते हैं, और इस मिशन में इनका साथ देती है एक राइजिलियन कलेक्टर जिसका नाम है कोरा। अब क्योंकि कॉमिक वर्स है तो बिना कॉमिक बुक्स के ज्ञान के कैसे जाने दे सकता हूं। तो कॉमिक बुक्स में राइजिलियंस बड़ी मस्त स्पीशीज है। ये क्या करते हैं कि अलग-अलग प्लैनेट्स को डोमिनेट तो करना पसंद करते हैं, लेकिन डोमिनेट करने के लिए इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि हर प्लैनेट पे अपने स्काउट्स को भेजते हैं, जैसे कि कोरा है। और जब इनका स्काउट उस प्लैनेट को अप्रूवल दे देता है, तो इस प्लैनेट पे स्पेस लॉक लगा देते हैं, जो उस पूरे प्लैनेट को उस सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ के ऊपर सोलर लॉक लग गया है, तो एलियंस उसको उठा करके उसके सोलर सिस्टम के सन के पास फेंक के उसके ऊपर सोलर फ्लेयर्स डाल के पूरे के पूरे लोगों को खत्म कर सकते हैं, या फिर सन से इतना दूर कर देंगे कि इसके ऊपर परमानेंट आइस एज आ जाए। एंड दैट इज हाउ दे डोमिनेट ईच एंड एवरी प्लैनेट दे वांट टू टेक ओवर। एयर स्टार लॉर्ड, रॉकेट और कोरा मिलकर जब अर्थ पे पहुंचते हैं, तो इनको रियलाइज होता है कि अर्थ इज लिटरली डूम्ड, क्योंकि यहां पर हर एक चीज डूम और उसके डूम बॉट्स के कब्जे में है। माउंट रशमोर पे यूएस के प्रेसिडेंट्स की जगह डूम के फोटो बने हुए हैं। हवा में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि लोग अच्छे से सांस ले नहीं सकते। रेडिएशन इतना ज्यादा है कि लोग कैंसर से मर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम्स यहां से सिर्फ शुरू होती हैं, क्योंकि कलेक्टर ने इन्हें जो चीज कलेक्ट करने के लिए भेजा है, वही सेम चीज चाहिए डूम और उसके राइट हैंड मैन क्रेविन द हंटर को भी। और हाँ, क्रेविन इस कहानी में है, जो क्रेविन हमने देखा है उससे बहुत ज्यादा डेंजरस और ब्रूटल भी। लेकिन क्रेविन का सीन थोड़ा और भी डिफरेंट है। क्रेविन की जो हंट है उसको प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जैसे कोई रियलिटी शो हो और अपने प्रे को कैमरास के सामने हंट करता है। लेकिन इन सबके ऊपर आता है डूम। एक बार सोच के देखो, वो बंदा जिसने इस पूरी अर्थ के जितने भी सुपर हीरोज हैं उनको यूं करके वाइप आउट कर दिया, तो ये स्टार लॉर्ड और रॉकेट क्या चीज है, उसे रोक कैसे पाएंगे? रोकना तो छोड़ दो, उस तक पहुंच कैसे पाएंगे? लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये कहानी जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। इंटरेस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी, लेकिन उससे भी ज्यादा इस कहानी को सुनने के बाद आपका इस यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने का मन करेगा। बिकॉज इसमें लिटरली बहुत स्मार्ट तरीके से ईस्टर एग्स को छोड़ा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल रिंग ऑफ बिलास, जो कि 1940s की कॉमिक बुक्स में दिखाई गई थी। इसकी पावर है कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को एम्पलीफाई कर सकती है। 1940s में नाजी के हाथ में लग जाती है तो बहुत बड़े बड़े कांड कर देता है, कैप्टन अमेरिका के इसको रोकते हैं। फिर नेक्स्ट मेरा फेवरेट ईस्टर एग कोरू कोज़ या ब्लैक विंड नाम की तलवार है, जो कि वुल्वरीन के मॉर्टल एनिमी या फिर उसके मेंटर ओगुन के पास हुआ करती थी। और ये वो कुछ ईस्टर एग्स हैं जो मैंने ढूंढे, अब मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने ढूंढ पाते हो। तो देर किस बात की, मार्वल्स वेस्टलैंडर पॉडकास्ट सीरीज के जितने भी एपिसोड्स हैं उन सबको आप फ्री में सुन सकते हो ऑडिबल पे
हिंदी में मेरे डिस्क्रिप्शन में जो फ्री ट्रायल वाली लिंक है उस पे जाकर के। और पहला एपिसोड तो ऑडिबल के यूट्यूब चैनल पे भी है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना। जान से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज हंट करो तो ऐसा कि दुनिया देखे, या इस केस में सुने।